भरतपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की प्रेस वार्ता, सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले को लेकर बोले विश्वेंद्र सिंह, केंद्र द्वारा दी गई सांसद को सुरक्षा को लेकर हमला बोला और कहा कि मेरी छोटी बहन है रंजीता कोहली, जब हमला हो रहा था तो सीआरपीएफ के जवान क्या कर रहे थे, सांसद द्वारा क्यों बदला गया अपना रूट, सांसद रंजीता कोहली को नहीं निकलना चाहिए रात्रि में। हर जो घटनाएं हुई वो रात्रि को हुई है, एक पत्थर फेंकता है, गाड़ी का शीशा टूटता है, किसी को चोट तक नहीं आती। केंद्र की बजाय अगर राजस्थान से सिक्योरिटी ली होती तो ये घटना नहीं होती। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का दावा, हर बार जरूर, इस बार जरूर खुलासा होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए सर। कि महिला है, उनको रात को ये जो भी अटैक हुए हर बार रात को हुए, वो वाई प्लस कैटेगरी में है और मैं भी वाई उसी कैटेगरी में हूँ, लेकिन उन्होंने सेंटर से सिक्योरिटी ले रखी। एक पत्थर फेंकता है, गाड़ी का शीशा टूटता है, किसी के चोट नहीं आती है और सीआरपीएफ के जवान मुंह बंद करे बैठे हैं, वो क्या कर रहे थे? मेरे पास आज जो सिक्योरिटी है, अगर मेरे ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो सिक्योरिटी को हर कुछ किया, कोई अटैक करता है तो हर कुछ करने का अधिकार है। अगर काश उन्होंने राजस्थान से ये सिक्योरिटी ली होती केंद्र की बजाय, जो हम देने को तैयार थी हमारी सरकार, तो ये कांड नहीं होता। या कम से कम इतना बता रहा हूँ, अगर ये होता भी कांड तो सारे के सारे सिक्योरिटी वाले सस्पेंड होते। लेकिन केंद्र की सिक्योरिटी है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो अपना मुंह बंद क्यों किए?